हेलो स्टूडेंट्स, बीएसआर अड्डा में आपका बहुत स्वागत है। मैं राहुल कुमार। कल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा थ्योरी बताया था क्लास 11th का। आज मैं आपको क्लास 11th का ही अलजेब्रा का थ्योरी थोड़ा सा बता रहा हूँ, अलजेब्रा का कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया हुआ है कि सर थोड़ा सा अलजेब्रा का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाए। तो आइए आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसके बारे में आप पहले गौर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोला जाता है सम्मिश्र संख्या। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कहाँ पे इसका यूज करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर से एग्जाम में आपको आईआईटी मेंस के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, साथ ही साथ 11th के भी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका यूज 12th में भी थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं। 12th का 10 इंडिया नॉर्मल टॉपिक हो गया, या कोई भी कोई छोटे छोटे टॉपिक होते हैं वहाँ पे इस टॉपिक का यूज किया जाता है। तो खैर, आज हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ मैट्रिक्स जो टॉपिक क्लास 12th हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्लास 12th का सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग अलजेब्रा का पढ़ते हैं वो होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में भी इस टॉपिक का यूज हम लोग करते हैं। तो आपको बता रहे हैं कैसे कैसे क्या प्रोसेसिंग है, ध्यान से समझिएगा क्या टॉपिक है ये। सबसे पहले बात आती है सर कि इसका यूज कहाँ पे किया गया, क्या जरूरत पड़ा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने का। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक के बारे में। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, याद होगा आप 10th क्लास में इस इक्वेशन को भली भांति पढ़े होंगे। इस इक्वेशन के माध्यम से हम लोग सीखे थे एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, जहां पे एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपाई टू ए, ये हमारा फॉर्मूला का वैल्यू निकालते हैं वहां पे। तो इसी के क्रम में जाना ये गया कि ये क्रम में आपको बताया गया होगा वहां पे, याद होगा आप को कि एक्स का मान रियल कब होता है, एक्स जो है रियल आंसर कब देंगे। तो एक्स रियल आंसर तभी देगा जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसको आप डी बोलते हो, ये का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर ये डी जीरो से बड़ा है इसका मतलब इस इक्वेशन के सही सॉल्यूशन होंगे, साथ ही साथ एक्स के दो आंसर अलग अलग आएंगे, ये इसका व्यू होता है। दूसरा, यदि एक्स का मान, सॉरी, यदि डी का मान जीरो के बराबर आ जाए तो एक्स के एक ही आंसर दो बार रिपीट हो जाते हैं, यहाँ पे आप पढ़े होंगे। और अगर डी जीरो से छोटा हो जाए, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि जीरो से छोटा हो जाए, तो उस कंडीशन में इसका मान सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा हम लोग 10th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो आज इसी बात को हम लोग पढ़ेंगे, क्यों नो सॉल्यूशन नहीं होता है, और अगर सॉल्यूशन होता है इसका कितना सॉल्यूशन होता है, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। अब बात आता है सर, यहाँ पे थोड़ा सा और समझा जाए। आपको याद होगा ऐसे तो आप ग्राफ नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कहा जाता है क्वाड्रेटिक का भी एक ग्राफ होता है, हर इक्वेशन का ग्राफ होता है और हर ग्राफ का एक इक्वेशन होता है। याद रखेंगे आप, कोई भी क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन कहा जाता है वो एक पाराबोला इक्वेशन बनता है, ये आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कहा जाता है ये क्वाड्रेटिक है तो इसके तीन फिगर बनते हैं। अब ये तीन फिगर कैसे कैसे बनते हैं, तो कहा जाता है यदि एक्स का मान जीरो से बड़ा है तो डी के एक लाइन जो क्रॉस करेगा, ये जो लाइन क्रॉस करेगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो दो जगह पे ये टचिंग हो रहा, ये लाइन जो इस कर्व को दो जगह पे टच कर रहा, पाराबोला को दो जगह पे टच कर रहा, इसका मतलब डी का मान जीरो से यहाँ पे क्या है, बड़ा है। और एक्स के दो अलग अलग आंसर आपके पास प्राप्त हो रहे हैं, एक यहाँ का पॉइंट एक यहाँ का पॉइंट। इफ अगर ये मान लीजिए डी से बराबर आ जाएगा तो उसका फिगर कैसे बनता है, तो ध्यान रखिएगा यदि डी जीरो के बराबर आ जाता है तो मान लीजिए हमारा पाराबोला है, तो अगर इसको टच करते हुए कोई रेखा चली जाए, मान लीजिए वो रेखा ये टच करते हुए चला गया, तो ये रेखा इस कर्व को जो है एक ही जगह पे टच कर रहा, तो एक जगह पे टच कर रहा है इसका मतलब डी का मान जीरो के बराबर है, और एक्स के एक ही आंसर क्या होते हैं, बार बार रिपीट हो जाते हैं, दो बार रिपीट हो जाते हैं। और कहा जाता है सर यदि डी जीरो से छोटा हो जाए तो उस कंडीशन में ये कर्व में और ये लाइन में कोई रिलेशन नहीं बन पाता, जब कोई टचिंग ही नहीं होगा तो आंसर कहां से प्राप्त होंगे। तो ऐसे आंसर आप इमेजिन कर सकते हो, ये पॉसिबल तो नहीं है कि इसका आंसर होगा, लेकिन इसके आंसर को हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो जो इमेजिन करते हैं दैट फॉर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी टॉपिक को हम लोग कहां पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। इस फिगर को हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला थ्योरी में बताएंगे कैसे पाराबोला का शेप बनाया जाता है,
क्या होता है पाराबोला, क्या इक्वेशन होते हैं, ये सारा कुछ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ समय के लिए रटे रहिए कि पाराबोला का शेप यू टाइप का होता है। ये चार प्रकार के शेप होते हैं, इस टाइप का शेप होता है, कभी इस टाइप का शेप होता है, कभी इस टाइप का शेप होता है, कभी इस टाइप का शेप होता है। फोर शेप में पाराबोला पाए जाते हैं। फिलहाल आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कब लाइन को टच कर रहा, कब वन जगह पे टच हो रहा और कब टचिंग नहीं हो रहा। यदि टचिंग नहीं होता है तो इसके आंसर प्राप्त नहीं हो पाते, एक्स के कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाते हैं। तो आइए ऐसे आंसर को क्या करते हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं। तो इस इमेजिन आंसर को कैसे निकाला जाए, उम्मीद करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में लोग समझे कि एक्चुअली में एक इमेजिनरी पॉइंट होते हैं। तो कहा जाता है नंबर के बारे में, नंबर जो होते हैं सर आपके दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल का मतलब बोला जाता है वास्तविक संख्या और इमेजिनरी का मतलब बोला जाता है काल्पनिक संख्या। तो ये काल्पनिक संख्या के बारे में ही पढ़ाई करना होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि यदि रूट में निगेटिव आ जाए, मान लीजिए माइनस वन आया, तो रूट अंडर माइनस वन का मान हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। इसका आई का मतलब यहाँ पे याद रखना है आईओटा होता है, आईओटा होता है। यही एक फॉर्मूला पूरे किताब में नया रूप लेकर आएगा। तो आइए पहले हम इसका परिभाषा पढ़ लें, क्या होता है, ध्यान देंगे आप इस परिभाषा को। लिखा हुआ है द नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई। ध्यान रखेंगे आप, कोई भी आपका बोला जाए, कोई भी इक्वेशन अगर रहेगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से उसको बनाना है तो वो हमेशा इंडिकेट किया जाएगा एक्स प्लस आई वाई के रूप में, जहां पे बताया जाएगा एक्स एंड वाई, इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स, क्या पढ़ते हैं बिलोंग्स पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब होता है एक्स और वाई आर के सदस्य हैं। आर बोले तो रियल नंबर, रियल नंबर जो नंबर होते हैं सर वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच के नंबर होते हैं। तो जितने नंबर है ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के वैल्यू क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। कहने का मतलब ये इसके बीच में ही होना चाहिए, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के ही बीच में होना चाहिए। तो ऐसे संख्या को क्या बोला जाता है, रियल नंबर। तो हम जान रहे हैं कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा हमें याद रखना होगा कि द नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर, नंबर लिखा हुआ है ये द नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई, यानी जो एक्स प्लस आई वाई के रूप में रहेगा, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इसमें एक परिभाषा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि रूट अंडर माइनस वन का मान क्या होता है, आई होता है। बस यही एक फॉर्मूला पूरा किताब में नया पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको समझेंगे हम, मान लीजिए रूट अंडर माइनस वन बराबर आई दिया हुआ, अगर मान लीजिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आप इसको बोलेंगे रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू आई का स्क्वायर, है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा, रूट से स्क्वायर आपका हट जाता है, तो माइनस वन बराबर आप क्या बोलोगे, आई स्क्वायर। जहां पे आपको ये विश्व का पहला फॉर्मूला है जिसका स्क्वायर क्या में आता है, निगेटिव में, नहीं तो धरती पे ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका आप स्क्वायर करोगे और आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आप करके देखो, माइनस पांच का भी स्क्वायर करोगे वो भी 25 आएगा, और पांच का भी स्क्वायर करेंगे वो भी हमारा 25 आएगा। इसका मतलब स्क्वायर में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका आंसर निगेटिव होता हो, ये विश्व की पहली संख्या है जिसका स्क्वायर क्या होता है, निगेटिव होता है। ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे माइनस वन होता है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर निगेटिव होता है। तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, ठीक है। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला को हम प्रूव करते हैं, आई का पावर क्यू। ये कैसे फॉर्मूला बनेगा सर, ये बहुत इजी है। आप थोड़ा सा लॉ ऑफ आइडेंटिकल फॉर्मूला अगर याद किए हुए हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किए हुए हो तो देखो हम यहाँ पे उस फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं, ए का पावर एम गुना एन। इसका फॉर्मूला होता है ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, इसको इनमें बोलते हैं घातांक और करनी। आप नाम सुने हो इस टॉपिक का, सॉरी, ए का पावर एम प्लस एन इसका फॉर्मूला होता है,
ए का पावर एम प्लस एन, इसका फॉर्मूला होता है ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, ए का पावर एम माइनस एन यदि कहीं है तो उसको बोलेंगे हम ए का पावर एन, एम बटा ए का पावर एन, ए का पावर एम का होल पावर अगर एन आ जाए तो इसका फॉर्मूला हम बोलेंगे ए का पावर एम इंटू एन, मतलब पावर का पावर यदि कोई आता है तो आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। आइए कुछ फॉर्मूला हम प्रूव कर रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा आई का क्यू का मान कैसे माइनस आई आ जाता है, इस फॉर्मूला पे हम गौर करते हैं। तो आई का क्यू क्या, आई का क्यू को हम आई स्क्वायर इंटू आई भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए आई स्क्वायर का मान कितना बताया जा रहा है, माइनस वन, तो माइनस वन में अगर आई से गुना करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस आई। तो देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया कि आई का क्यू का मान क्या होता है, माइनस आई होता है। काफी इजी तरीका से प्रूफ हो जाता है दोस्तों। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आई का पावर फोर हमें प्रूफ करना है, हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो आई टू दी पावर फोर दिया हुआ है हमारे सवाल में। अब इसको भी आप सोचो कि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। अब बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, ओवरऑल ही कितना आ गया, वन आ गया। इसका मतलब आई टू दी पावर फोर का मान कितना होता है, वन होता है। आपको ये तीन फॉर्मूला मैंने प्रूव किया, आई स्क्वायर का मान माइनस वन, आई क्यू का मान माइनस आई, और आई टू दी पावर फोर का मान वन होता है। आइए सर आई टू दी पावर फोर एन क्या होता है इसको समझा जाए, तो ध्यान देंगे आई टू दी पावर फोर एन हमें प्रूफ करना है, ये कैसे प्रूफ होगा। तो आप थोड़ा सा इसमें गौर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा आप, तो ये पढ़ने में आपको आएगा ए का पावर एम इंटू एन, ये लास्ट वाले फॉर्मूला से टचिंग हो रहा, जिसका फॉर्मूला होता है ए का पावर एम का होल पावर क्या, एन होता है। तो आप इसको बोल सकते हो आई टू दी पावर फोर, आप इसको बोल सकते हो आई टू दी पावर फोर का होल पावर कितना, एन, ऐसे भी बोला जा सकता है। याद रखिएगा कि वन का आई का पावर फोर इसका मान कितना होता है, वन होता है, तो वन टू दी पावर कितना आ गया, एन आ गया। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर वाई का पावर एन का मान अगर वन हो जाता है तो वन का पावर इन्फिनिटी का मान वन क्यों नहीं होता। ये आपको बहुत याद रखना होगा, वन का पावर एन का मान तो वन होता है, लेकिन वन का पावर अगर इनफाइनाइट डाला जाए तो इसके आंसर नहीं होते हैं। ऐसे आंसर को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है अर्थहीन शब्द, इसके कोई आंसर प्राप्त नहीं हुए हैं। सात नंबर ऐसे हैं सर मैथ में जिनका खोज इस पृथ्वी पर आज भी जारी है, उसमें सात नंबर को बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। उसी में एक नंबर इनडिटर्मिनेट फॉर्म का एक नंबर है वन टू द पावर इन्फिनिटिव, वहां पे इस फॉर्मूला को इनडिटर्मिनेट बोला गया है। एक और आप इस लॉ ऑफ आइडेंटिकल में पढ़े होंगे ए टू द पावर जीरो बराबर वन होता है, लेकिन ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि अगर जीरो टू द पावर जीरो कहीं भी आता है तो इसका मान वन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखेंगे ये दोनों फॉर्मूला कि वन टू द पावर एन का मान वन होता है, क्योंकि एन एक फिक्स नंबर है और इन्फिनिटिव कहने से फिक्स नहीं होता, वो कितना बड़ा नंबर है इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इस एन के बारे में कहने से कोई ना कोई नंबर में जाकर के ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा, लेकिन इन्फिनिटिव कहने से पूरी संख्या की बोध नहीं हो पाती है, इसलिए इसका मान बताया जाता है वन होता है और इसका मान बताया जाता है कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, ये आप अपने मन में ध्यान रखेंगे। एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे, वन का पावर एन का मान वन होता है, कुछ टीचर्स बताते हैं कि वन टू द पावर एन का मान हमेशा वन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वन टू द पावर एन का मान वन होता तो क्यूब रूट ऑफ वन का मान तीन कैसे आ जाता है, तीन आंसर प्राप्त कैसे हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा वन का क्यूब रूट का जब आप मान निकालते हैं तो उसके तीन आंसर आते हैं, इस बात को भी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। सोचिए क्यूब रूट के अगर तीन आंसर हो रहे हैं सर, तो वन का पावर एन का हमेशा आंसर वन कैसे प्राप्त हो जाएगा, ये तभी प्राप्त होगा जब एन आपका इंटेजर्स होंगे, इंटेजर्स कहने का मतलब एक्यूरेट नंबर होंगे, बट्टा वाले नंबर में इस आंसर को फेल माना जाएगा। अगर ऐसा सही होता तो वन का पावर वन बाई टू, तब तो इसके भी आंसर सिर्फ वन आने चाहिए थे, जबकि इसके आंसर हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस माइनस वन बोलते हैं। इसका मतलब इसके जब दो आंसर हो रहे हैं, वन बाई टू के दो आंसर हो रहे हैं, रूट होता है ना इसका मतलब, तो रूट का मतलब हाफ पावर होता है, तो हाफ पावर के दो आंसर होते हैं, क्योंकि बट्टा में टू है तो दो आंसर हो रहे हैं। तो वैसे ही अगर बट्टा में थ्री पावर में आ रहा, वन बाई थ्री पावर आ रहा,
इसके कितने आंसर आने चाहिए, तीन आंसर आने चाहिए। तो इस तरह से कोई कहे कि हमेशा वन का पावर एन का मान वन होता है, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि वन का पावर एन का मान वन तब होगा जब एन हमारा आई नंबर होगा। आई बोले तो इंटेजर्स, इंटेजर्स बोले तो इसका मतलब जो पूरा पूरी नंबर कहलाएगा, वन टू थ्री है ना, फोर फाइव डॉट डॉट डॉट, एक्यूरेट वाले नंबर को बोला जाता है इंटेजर्स नंबर। और ये निगेटिव में भी जा सकता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अप टू निगेटिव और पॉजिटिव, जितने भी नंबर है पूरा जो एक्यूरेट नंबर प्राप्त होते हैं उन सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटेजर्स बोलते हैं। तो इसी नंबर का मान क्या बताया जाता है, वन बताया जाता है। खैर जब यूज करेंगे उस समय आपको हम बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आई टू दी पावर फोर एन इम्प्रूव कर रहे थे, तो आप बोलोगे इसको आई टू दी पावर फोर का होल पावर कितना बोल दोगे आप, एन बोल दोगे। अब आई टू दी पावर फोर है तो आई टू दी पावर फोर का मान कितना होता है, वन होता है। तो वन टू दी पावर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। अभी तुरंत हमने आपको प्रॉब्लम बताया, आप ये ध्यान रखेंगे कि एन बिलोंग्स क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो मैटर नहीं होता, लेकिन हाँ आंसर क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आप ध्यान देंगे, I टू द पावर फोर एन प्लस वन। एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे, I टू द पावर फोर एन कहने का मतलब ये फोर का टेबल है ना, फोर एन का मतलब फोर का ये टेबल है, फोर का मल्टीपल है। तो फोर के मल्टीपल के कोई भी पावर आई में आएंगे उन सभी का मान आपको ध्यान रखना है कि उसका मान कितना होता है, वन होता है। जैसे मान लीजिए हमें आ गया i का पावर 400, अब इससे हमें मान निकालना है। तो भाई 400 जो देखिए ध्यान से ये 4 का मल्टीपल है, तो 4 का अगर मल्टीपल है तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो 4 into 100। अब इसका मान आप ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल पढ़ने में हमारा फॉर्मूला 4n पर आ गया, तो इसका डायरेक्ट मान हम क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। निकालने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, I टू दी पावर फोर एन प्लस वन, ये कैसे हम बनाए। तो I टू दी पावर फोर एन प्लस वन को आप बोलोगे, ये पढ़ने में इस फॉर्मूला को टच कर रहा, a का पावर m प्लस n, आप इसको मनी मन में m पढ़िए और वन को मनी मन में n पढ़िए, तो ये बिल्कुल आपका फॉर्मूला a का पावर m प्लस n पे जा रहा। मतलब I टू दी पावर फोर एन प्लस वन जो है बिल्कुल आपका इस फॉर्मूला को टच कर रहा। तो फॉर्मूला होता है a का पावर m मतलब I का पावर फोर एन इंटू आई का पावर वन, इस तरह से आप बोलेंगे इसको। आई टू दी पावर फोर एन का मान कितना होता है, वन होता है। तो वन में अगर आई से हम गुना करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है हमें, आई प्राप्त हो जाता है। वही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि आई टू दी पावर फोर एन प्लस वन का मान क्या होता है, आई होता है। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, आई टू दी पावर फोर एन प्लस टू, वो क्या होता है, आई टू दी पावर फोर एन प्लस टू। तो आप इसको बोलोगे i टू दी पावर फोर एन इंटू आई टू दी पावर टू, बिल्कुल आप इसको इसी फॉर्मूला पे सेट कर लोगे, ठीक है ना। तो आप यहां ध्यान दो तो i टू दी पावर फोर एन का मान कितना होता है, वन। वन में अगर i स्क्वायर से गुना करोगे i स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू कितना हम लोग पढ़े हुए हैं, माइनस वन पढ़े हुए हैं, आप यहाँ पे माइनस। देखिए दोस्तों कितना इजी से फॉर्मूला प्रूफ हो रहा सारा, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजा आएगा इसको पढ़ने में आपको। नेक्स्ट इसमें एक और फॉर्मूला होता है आई का पावर फोर एन प्लस थ्री, शायद छूट गया यहाँ पे, आप इस फॉर्मूला को नोट कर लेंगे, आई टू दी पावर फोर एन प्लस थ्री। तो आई टू दी पावर फोर एन इंटू आई टू दी पावर क्यूब, ऐसे पढ़ेंगे आप। आई टू दी पावर फोर एन का मान वन होता है, वन में अगर आई क्यू से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस। आई का क्यू का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइनस है, तो माइनस है। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ड्राइव किया। अब आइए कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको कैसे मैथ बनाए जाते हैं इस पर बेस्ड। तो आपको मेनली इसके फॉर्मूला पे ध्यान रखना होगा, क्या फॉर्मूला है, पहले परिभाषा सुन लीजिए। परिभाषा कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि द नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई है ना, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे वैसी संख्या जो एक्स प्लस आई वाई के रूप में रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इसमें आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि रूट अंडर माइनस वन का मान क्या होता है, आई होता है। आइए और कुछ फॉर्मूला आपको हम दिखा रहे हैं इसमें, तो ध्यान देंगे आई स्क्वायर को स्क्वायरिंग करके देखे थे फॉर्मूला इंप्रूव किए थे, तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस वन होता है। आई क्यू का मान क्या होता है, माइनस आई होता है। आई टू दी पावर फोर का मान वन होता है। आई टू दी पावर फोर का भी मान वन होता है।
i टू दी पावर 4n प्लस 1 का मान i होता है और i टू दी पावर 4n प्लस 2 का मान i स्क्वायर जिसका मान माइनस 1। और एक फॉर्मूला i टू दी पावर 4n प्लस 3 इसका फॉर्मूला i क्यूब जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस। अब आइए इन पर बेस्ड हम लोग कुछ मैथ। मान लीजिए हमें सवाल है i टू दी पावर 4 प्लस 2 i का पावर 18 प्लस 3 i का पावर 21। ये हमारा मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ है। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो ध्यान देंगे आप इसको। ये जो सवाल दिया हुआ है i टू दी पावर 4 हम कैसे इसको बनाएंगे वो आप गौर करेंगे। 21 ध्यान देंगे आप। तो i टू दी पावर 4 का मान हमसे पूछा जा रहा है। ये बताइए i टू दी पावर 4 का डायरेक्ट मान आपको हम बताए थे कितना होता है 1 होता है। अब यहां से जितने भी पावर दिए गए ये सभी पावर को अगर आप गौर करते हो तो ये जितने पावर है ये सब 4 से बड़े हैं तो हम सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 4 × 4 और प्लस 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा। डिवाइड करके आप देखेंगे तो इस तरह से लिखा जा सकता है। आप इसको लिख सकते हो i का पावर 21 को 4 × 5 प्लस इस तरह से कहा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा 2 बच रहा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा 1 रख रहा। कैसे ये लिखा जाता है आप एक बार देख लीजिए, ऐसे तो ये आपको आता ही होगा फिर भी हम एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे। 4 को 21 से आप डिवाइड देंगे 5 टर्म्स में लगेगा 1 आएगा। तो आप 21 को लिख सकते हो 4 × 5 और प्लस में क्या 1। तो वही बात को हमने यहाँ लिखा। अब बताइए 1 तो आपको पहले से आ रहा, 2 यहाँ पे i का पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर i का पावर 1 आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा 1, i स्क्वायर का मान होता है माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 2 और प्लस में क्या आ जाएगा 3i। आप इसको घटाओगे तो माइनस 1 प्लस बस। तो काफी इजली तरीका से बनता है। खाली इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको i का पावर 4 का मान i का पावर 4n का मान अगर आपको याद है तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको बनाने में, पर शर्ते कि खाली आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आइए कुछ और इसमें आपको हम बता रहे हैं, तो काफी इजी तरीका से बन गया। कुछ क्वेश्चंस को आप बना के भी देख सकते हो। एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, मान लीजिए आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 10 प्लस आई का पावर 110 एंड i का पावर 1000, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो 1 प्लस i का पावर 10 है तो आप इसको 4 × 2 और प्लस में क्या बोल दो 2 बोल दो, ये आपका ओवरऑल 10 आ जाएगा। अगर 110 है तो इसको भी आप 4 से डिवाइड दे दो, सबको कितना से डिवाइड देना होता है 4 से डिवाइड। आप इसको बोल सकते हो i टू दी पावर 4 × 27 और प्लस में क्या बोलोगे आप 2 बोलोगे और 1000 4 के डिविजुअल मल्टीपल में आता है 250 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच रहा 2, तो i स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान देंगे आप ये वाले टर्म गायब हो जाते हैं, यहाँ पे वो फॉर्मूला पे चला गया i का पावर 4n प्लस 2 जिसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे i स्क्वायर और जिसका मान क्या होता है माइनस 1। तो आप पहले एक लाइन i स्क्वायर लिख दो, ये भी वही चीज है तो इसको भी आप वैसे ही लिख दो प्लस i का स्क्वायर और प्लस आई, ये पूरा ओवरऑल मल्टीपल हो रहा ये 1 ही हो जाएगा। याद कीजिए आई स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है, कट जाएगा दोनों, ये दोनों आई स्क्वायर का मान हमने लिख दिया है, बाकी ये वाला 1 और ये वाला 1 रह गया, कट ऑफ हो गया। तो आपका आंसर आ गया 0 + 0 ये आपका आंसर, ठीक है ना सर। चलिए आइए कुछ और इसमें आपको हम बता रहे हैं। अब इसमें आप ध्यान देंगे, एक चीज और सीखेंगे आप, एक पॉइंट्स को और ध्यान देंगे।
मान लीजिए जेड बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई, बोलेगा इसका एडिटिव इन्वर्स निकालिए, ठीक है ना। जैसे कि आप सवाल नंबर वन में आप देखे थे, देखिए यहाँ पे आपको लिखा होगा एडिटिव इन्वर्स, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये एडिटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाता है और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, आज हम थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स में कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को प्लस में है तो उसको सीधे आप एक बार में माइनस कर दीजिए, यानी आप माइनस एक्स और माइनस क्या बोल देंगे आप आई वाई, आप इसको जेड वन भी बोल सकते हो, है ना। एडिटिव इन्वर्स को क्या बोलेंगे हम, जेड वन। इसमें आंसर बोलेंगे प्लस एक्स है तो माइनस एक्स, प्लस आई वाई है तो माइनस आई वाई। इसका फिगर क्या होता है ये कल आपको बताया जाएगा, आज आप इतना में ही ध्यान रखो, ये सारे टॉपिक्स को ध्यान रखो, जितना आप मैंने अप्रूव किया फार्मूला उसको देख लो, और वो जो पावर वाला जो मैथ हमने बताया उस पे फोकस करो। आज के लिए इतना ही रह देते हैं, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।